पाँचवीं नशस्त में आपका इस्कबाल है पांचवी नशस्त में जहन्नम के बाद अजाब में से कुछ अजाब आपके सामने बयान किए जाएंगे आपके सामने जहन्नम और अहले जहन्नम का खाना क्या होगा इसी तरह से उनके पीने के लिए पानी क्या होगा इसकी तफसर आपके सामने आई अब हम आपके सामने अहले जहन्नम का लिबास बयान करना चाहते हैं हमने अहले जन्नत और उनकी नेमतों में बताया था कि अल्लाह तबारक अहले जन्नत को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नफीस और उमदा और रेशम के लिबास इज्जत उन्हें पहनाएगा इसके बनमिल अहले जहन्नम को क्या लिबास मिलेंगे अल्लाह तबारक उसकी तफसील कुरान हदीस में बयान फरमाई है चुनाँचे जहनमियों को आग का लिबास पहनाया जाएगा आग का अजाब दिया जाएगा और आग से हर तरह से उन्हें सजाओं मुबला किया जाएगा हती कि उनका लिबास उनका कपड़ा भी आग का होगा अल्लाह रबुल्ज़त ने इशात हादानी, खसमानी अख्तसमूफी अब फलीन कफ़रु कुत्ती हम फ़िया बन्नार युस बिनफोक उसे सूर हज आएत नंबर उन्नीस में कि ये दो जमातें हैं और ये दो ग्रुप हैं गोह हैं जिन्होंने अपने रब के सिलसिले में झगड़ा किया अहले ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानते हैं अहले शिर्क और कुफ्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनकार करते हैं अल्लाह ताला की अबूदीत का उलूहियत का और अल्लाह की तौहीद का अल्लाह ने फरमाया रहे वो लोग जिन्होंने इनकार किया कुत्तेतलहम सियाब नार तो उनके लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे तो आग से काटकर उनके लिए कपड़ा तैयार किया जाएगा और वही कपड़ा उनको पहनाया जाएगा वलियाज बिल्ला और उनके सरों के ऊपर से गर्म खोलता हुआ पानी डाला जाएगा तो आग का लिबास ये जहन्नमियों का लिबास होगा इसी तरीके से जहन्नमियों का एक लिबास जिसका तस्करा कुरान करीम में इज़्ज़त ने फरमाया है तारकुल का लिबास तारकुल जिसे गंधक कहा जाता है और इसके ज़रिए से आज हम देख रहे हैं रोड वगैरह बनाने में उसको इस्तेमाल किया जाता है कितनी तेज़ी के साथ वो चिमट जाता है और पकड़ लेता है और गर्मी में पिघलता है और कितना गर्म होता है ये जो है बहुत तकलीफदेह एक मादा होता है तो अल्लाह तबारक व तला तारकुल का लिबास जहन्नमियों को अहले जहन्नम को पहनाएगा अल्लाह रबुल्ज़त ने सूर इब्राहिम आयत नंबर उनचास और आयत नंबर पचास में बयान फरमाया है व तरल मुजरमिन योम दिन मुक्रीन फ़िलस्फ़ाद शराबी लहम्मन क़ीरान व तग शाह आप देखेंगे तो मुजरिम लोग क़यामत के दिन बेड़ियों में बधे हुए होंगे जिसका तस्करा और तफसील आगे आएगी इज़्ज़त ने फरमाया उनके पैजामे उनके कपड़े ये तारकोल के होंगे गंदक के होंगे व तग शाह और उनके चेहरों को आग ढ़ाप लेगी तो उनका कपड़ा भी आग का और इसी तरीके से उनके चेहरे पर आग और उनको आग की सजाएँ और उन्हें उस पर तारकुल का लिबास पहनाया जाएगा जो उनके चमड़ों से उनके जिस्म से चिमट जाएगा और बहुत सख्त गर्मी पहुँचाएगा इसी तरीके से अल्लाह के नबी आ सलाम ने शत माया अन्नादतुब कब मोतिहा तो कामियामत वालई हसिरबा कतीरान वर उमिन जरब यहाँ पर एक मजीद कपड़े का तस्करा है कि ख़ारिश का कपड़ा यानी ऐसा कपड़ा जिसको पहनने से खुजलाहट हो और पूरा बदन खुजला है, आदमी नरम और नफीस कपड़े पहनना पसंद करता है ऐसा कपड़ा जो जिसम को चुभे और उससे जिसम को खुजलाहट हो ऐसा पसंद नहीं करता है तो अल्लाह के नबी सलाम फरमाते हैं नौहा करने वाली औरत अगर वो कयामत से पहले तौबा नहीं करती है नौहा करने का मतलब होता है कि कोई मर जाए किसी का इंतकाल हो जाए तो आदमी बेसब्री का मुजाहरा करते हुए रोए चीखे और चिल्लाए और उसकी महासिन को गिना करके जो है चीखे चिल्लाए अपने गालों को पीटे अपने कपड़ों को गरीबान को चाक करे फाड़े तो ये नौहा बालों को नोचे तो ये सब जो है क्या नाम है इस्लाम में हराम है एक चीज़ें जायज़ नहीं है हाँ किसी का इंतकाल हो गया व इलैहि राजिऊन पढ़े अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी उनकी उम्र इतनी थी और जो है क्या नाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आदाब बताएँ तो नौहा करने वाली औरत की सज़ा नबी सलाम ने बयान फरमाई है कि अगर वो क़ियामत से पहले तौबा नहीं कर लेती है तो क़्यामत के दिन उसको खड़ा किया जाएगा इस हाल में कि उसके ऊपर तारकोल का पैजामा होगा और ख़ारिश की कमीस होगी कमीस जो होगी वह ऐसे कपड़े की होगी जिसमें ख़ारिश का मादा होगा उससे जिसम पूरे खुजलाहट होगी चूँकि इसने अपने बालों को नोचा अपने गाल पर थप्पड़ मारे अपने कपड़ों को नोचा है तो इसलिए उसको ख़ारिश वाला कपड़ा पहनाया जाएगा तो ये जहन्नमियों का लिबास होगा इसी तरीके से जहन्नमियों में से एक और जहन्नमी का तस्करा है कुरान और हदीस का इल्म छिपाने वालों को आग की लगाम पहनाई जाएगी हमें और आपको नजरिन कराम सबको मालूम है कि कुरान और हदीस ये पूरी इंसानियत के लिए है इंसान कुरान और हदीस को सीखे और कुरान और हदीस के पैगाम को आम करे लोगों को बताए जो लोगों को तोहद बताया जाए लोगों को सुन्नत बताई जाए लोगों को अल्लाह तबारक तीन के, के मसाइल औरकमत बताए जाएँ मनहज अकदा बताया जाए हक़ बताया जाए और लोगों को शिरक और बिदात और ख़ुराफा से दूर रखने की कोशिश की जाए लेकिन जब कोई आदमी इल्म को छिपाता है तो अल्लाह तबारक तआला ऐसे शख़्स को जहन्नम में सजा देंगे इल्म को छिपाना हक़ को छिपाना ये बहुत बड़ा गुनाह है गुनाह कबीरा है अगर इंसान हक़ छिपाएगा तो लोगों तक हक़ कैसे पहुँचेगा तो अल्लाह के नबी आसलातम ने इल्म छिपाने वाले के बारे में बताया है कि उसको आग के लगाम पहनाई जाएगी क्योंकि उसने ज़बान से ही उनको छिपाया है ज़बान नहीं खोला उसने ज़बान उसने हरकत नहीं दी कि ज़बान को हरकत दे करके वो लोगों को हक बात बताए और अच्छी बात बताएँ अल्लाह के नबी सलाम फरमाते हैं नबीत वाम की रिवायत करदा हदीस है मनसमिन मिलजमल़िल जा मार कि जिससे कोई इल पूछा जाए कोई बात पूछी जाए कोई मसला पूछा जाए हक़ के बारे में इस्तफ़ार किया जाए फिर वो उसको छिपा ले और वो ना बताए आज हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो हक़ को जानते हैं मगर नहीं बताते हैं उम्म महम्मदिया को और मुसलमान भाइयों को तो हक़ को जानने के बाद भी छिपाना अल्लाह के नबी आल सलामिषात माया कि उसको क़्यामत के दिन आग की लगाम पहनाई जाएगी तो चूँकि उसने आग कि लगाम उसके जान पहनाई जाएगी चूंकि उसने ज़बान से यह गलती की है इसी तरीके से बाज़ लोगों को जैसे कि आपके सामने बात आई कि जहन्नम में आग की जूतियां पहनाई जाएंगी तो लिबास आग का होगा तारकोल का होगा और हक़ छिपाने वालों को आग की लगाम पहनाई जाएगी और इसी तरीके से बाज़ जहन्नमियों को आग की जुतियाँ पहनाई जाएंगी, जैसे कि आपके सामने आई इमाम मुस्लिम रही की रिवायत करदा हदीस कि जो लोग अल्लाह के नबी नबीम ने फरमाया सबसे हल्का अज़ाब जो क़्यामत के दिन होगा वो उस शख़्स को होगा जिसको आग की दो जुतियाँ पहनाई जाएंगी और जिससे उसका दिमाग खोलेगा तो नाजरन कराम ये जहनमियों के लिबास के बारे में बात हुई कि जहन्नमियों को लिबास कौन सा दिया जाएगा अहले जन्नत को नरम और नफीस लिबास रेशम के लिबास मोटे रेशम हल्के रेशम हर तरह के लिबास को दिया जाएगा और जहन्नमियों को आग का लिबास तारकोल का लिबास आग की लगाम और इसी तरीके से जो है आग की जूतियाँ पहनाई जाएंगी इसके बाद नदरीन कराम हम आगे बढ़ते हैं और जहन्नम में जो अजाब की शक्लें हैं उनमें से एक अजाब की शक्ल को बयान करते हुए अहले जहन्नम का बिस्तर क्या होगा अहले जहन्नम क्या बिछाएंगे? किस पर बैठेंगे किस पर लेटेंगे तो अहले जहन्नम के बिस्तर के ताल्लुक से और इसी तरीके से अहले जहन्नम की छतरियाँ कैसी होंगी निजो साइबान के लिए जो छतुरियाँ होंगी वो कैसी होंगी हम आपके सामने बता चुके हैं जन्नत के बारे में कि अहले जन्नत के लिए गाव तकिए नरम गद्दे और रेशम के गद्दे और जो है सूफा सेट और हर तरह से तख्त और मसैरियाँ जो है लगी होंगी और जहाँ अहले जन्नत बैठेंगे और वहाँ बातें करेंगे जबकि अहले जहन्नम जो है अजाब में होंगे अहले जहन्नम के बिस्तर भी आग के होंगे उनके सर पर जो छतरियाँ होंगी वो भी आग की होंगी यानी नीचे से भी आग ऊपर से भी आग और जिस्म पर भी आग और दाएँ से भी आग और बाएँ से भी आग इस तरीके से हर तरह से उन्हें आग से अजाब दिया जाएगा अल्लाह ताला ने इशात इशतमाया लह मिन जहन्नमिहादिन फ़ो किम गवाश अल्लाह रबुलज़त ने फरमाया कि हम जो है उनके लिए जहन्नम में आग का बिछोना है उनके लिए जहन्नम में आग का बिछोना है और इसी तरीके से मिन फ़ो गवाश उनके ऊपर भी आग के बिछोना है तो जहन्नम में भी आग का नीचे भी आग का बिछोना है और ऊपर भी आग है हर तरफ से आग और आग का हिजाब है सुर आराफ आयत नंबर इकतालीस की यह आयत मुबारक है इसी तरीके से अल्लाह रबत ने सूरतबूत आयत नंबर पचपन में फरमाया शतमाया मिन फ़ोकिम उमिन तहत अरजुलिम वा खुन तुम तमलून कि जिस दिन अजाब उनके ऊपर से उनको ढाँप लेगा उनके नीचे से उनको ढाँप लेगा और कहेगा फरिश्ता कि जो तुम करते थे उसका मजा चख लो तो यहाँ ऊपर से भी आग नीचे से भी आग और उस पर उनको तंस किया जाएगा और कहा जाएगा कि जैसे वह दुनिया में तंस करते थे मुसलमानों पर जैसे मजाक उड़ाते थे मुसलमानों का तो ऐसे उनका भी मजाक उड़ा के कहा जाएगा जो करते थे उसका मजा चख लो तुमने यही काम ही किया है कि तुमको ये सजाएं मिले या अजाब मिले इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया लहुम मिन सेबरमा फ़ोकहिमदमिनार विन तहतिहिम ज़ुलल फलुब इबादह या इबादिफून सुर जुमर आयत नंबर सोलह में अला फरमाते हैं लहु मिनफ़ोक हिमजुल उनके लिए ऊपर से भी आग का साया होगा मिन मिनतः तमजुल और उनके लिए नीचे से भी आग नीचे से भी आग ऊपर जो आग की छतरी होगी जो साया होगा वो भी आग आप सोचें एक आग की शिद्दत में एक परेशानी में आदमी चाहता है कोई साया मिल जाए जहाँ वो आराम कर ले जब वो सा में जाएंगे तो वो भी आग का साया होगा आग की बारिश हो रही होगी नौजबिल्ला तो अल्लाह ने फरमाया कि उनके ऊपर से भी आग और उनके नीचे से भी आग ज़ाल कौल्ला भी इबादा इसी चीज़ से अल्लाह ताला अपने बंदों को डराता है जहन्नम से अल्लाह ताला अपने बंदों को डराता है खौफ दिलाता है कि जहन्नम से डरो जहन्नम से दूर भागो और अल्लाह ने फरमाया या इबादी फत मेरे बंदो तुम डरो तुम जहन्नम से बचो ऐसे काम करो जिसे जहन्नम से आज़ाब से बच जाओ ये अल्लाह इज़्ज़त अपने बंदों के लिए कहता है इसी तरीके से अल्लाह ने फ़रमाया بهم तबिम सरा सूर्य आयत नंबर उन्तीस हमने जालिमों के लिए ऐसी आँख तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उसको घेर चुकी हैं तो जालिमों के लिए काफरों के लिए जहनमियों के लिए मुशिकों के लिए हर तरफ़ आग ही आग है और किसी तरीके से उन्हें सुकून नहीं है इसी तरीके से के राम ये जहन्नम के बिस्तर के बाद और लिबास के बाद एक चीज़ यह है कि उन्हें अगलाल और सलासिल बेड़ियों और जंजीरों में जकड़ा जाएगा अहले जहन्नम को बेड़ियों में और जंजीरों में जकड़ कर सजा दिया जाएगा उनको बांध कर मारा जाएगा और बाँध कर उनको अजाब दिया जाएगा चूँकि जो है क्या नाम है इन्होंने अल्लाह तबारक व से सरकशी की तो आग के तोक़ गर्दन पहनाए जाएंगे हथकड़ियाँ होंगी जंजीरें होंगी बेड़ियाँ होंगी और इन सब चीज़ों से बात करके और उसका तौक पहना करके उन्हें दिया जाएगा अल्लाह ने फरमाए खुजो फगुल्लु तुम मलजी मसल्लु तुम मफ़ी सिलसिल तंजर उ सबऊ उ नदेरान सूरह सुर आयत नंबर तीस इकतीस बत्तीस नंबर में खुजु फगुल्लु इसको पकड़ लो इसको बेड़ियाँ पहना दो उससे पहले जो है क्या नाम है आयत है और बहुत ही जो है क्या नाम है इबरत आमेज़ आयत है अल्लाह ने जिसमें फरमाया फमां मन ऊतिया किताब हो बेअमीन ही फ़ैक़ूल हाओ मुखर किताबिया इन्नी दनंत अन्य मुलाक़िन हिसाबिया फहू वफ़ी ईशतरा रादिया फ़े जन्नतिन आलिया कतु दानिया कुलू व वशरबू हनी अम्बिमा असलफ तुम फिल्या मिल खालिया अल्लाह ने एक किया है जिन लोगों को उनका नाम अमाल उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा तो वो बहुत खुश होंगे लोगों से कहेंगे मेरा नाम अमाल देख लो बेहतरीन ज़िंदगी में होंगे फलों में होंगे गुच्छों में होंगे माम मा मन ऊत यताब हू बीमा ही फ़ैक़ुल या तीलम ऊत ये यह जहन्नम का हाल अल्लाह ने जिक्र किया है कि जिसका नाम है अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा कि जो है हाय काश मुझे नाम अमल ना दिया गया होता वलम अदरी माँ हिसाबिया मुझे अपना हिसाब किताब नहीं मालूम होता या ले तहकान तिलका दिया काश कि ये मौत फैसला कन होती मैं मरा ही रहता मैं जिंदा क्यों हो गया या ले तहकान तिलका दिया मा अगन अन मालिया मुझे मेरे माल ने कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचाया हलाका अन्य सुल्तानिया मेरी बादशाहत चौधराहट चली गई मेरी हुकूमत चली गई खुजू हु यहाँ पर अल्लाह ने फ़रमाया कि जब वो इस तरह की बातें करेगा इसी तरह हुक्म हुआ खुजू फगुलू इसको पकड़ो इसको बेड़ियाँ पहना दो तुम मल जही मसलु इसको जहन्नम में ढकेल करके ले जा के डाल दो और सुम सब्फी सिलसिलानजर वहासू नजरान को सत्तर हाथ लम्बी जंजीरों में इसको जकड़ दो और इसको बाँध दो क्यों अल्लाह ने फरमाए इनका नीनबिलीम यह अल्लाह रबुल्ज़त पर नीमान नहीं रखता था वला यह अला तामिल आमिल मिसकिन को खाना खिलाता भी नहीं था किसी को उभारता भी नहीं था फल सल्यूमा हा हू हमीम दुनिया में बहुत दोस्त थे दुनिया में बहुत सपोर्टर थे दुनिया में बहुत साथ देने वाले थे आज इसके पास कोई जिगरी दोस्त नहीं है तो यहाँ पर अल्लाह रब्ज़त ने फरमाया खुद फगल सल जहीमसलु इसको पकड़ कर डबेड़ियाँ पहना दो और फिर जहन्नम में इसको डाल दो सत्तर हाथ लम्बे जो है किन्न जंजीर में इसको जकड़ दो इन्ना आतद न लिलका फिरीना सलाम वसरा सूर्य नंबर चार में ला ने फ़रमाया हमने काफिनों के लिए जंजीरें तैयार की हैं बेड़ियाँ तैयार की हैं और भड़कती हुई आग तैयार की है यानी जहनमियों को जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा बेड़ियों में जखड़ दिया जाएगा और आग में इनको सजा दी जाएगी इन नदीना अन व जहीमा अल्लाह ने फरमाया हमारे पास अन बेड़ियाँ हैं हमारे पास जंजीरें हैं हमारे पास बेडियां हैं उनको बांधने के लिए जखड़ने के लिए और जहन्नम है सूरह मदह मिल आयत नंबर बारह में फरिश्ते काफिरों को जंजीरों में बांध कर जहन्नम में घसीटते रहेंगे जंजीरों में इनको बांध दिया जाएगा और जंजीरों में बांधने के बाद फरिश्ते को जहन्नम में घसीटेंगे और जहन्नम में घसीट करके उनको सजा देंगे अल्लाह ने फरमाया कि इनके गर्दनों में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं जंजीरें बधी हुई हैं और उनको घसीटा जा रहा है इधर से उधर से खींच करके उनको अजाब दी जा रही है सज़ा दी जा रही है और अल्लाह ने फरमाया फिर गर्म पानी में इनको ढकेल दिया जाएगा और फिर आग में इनको जो है सज़ा दी जाएगी सुर ममिन आयत नंबर इकहत्तर बहत्तर में तो ये नाजरीन कराम जहन्नमियों को बांधने के लिए जंजीरें और बेड़ियाँ होंगी और इन जंजीरों और बेड़ियों और ये आग के तौक में उनको बांध करके जकड़ करके उनके साथ क्या किया जाएगा इंतहाई तंग और तारिक कोठरियों में ठूस दिया जाएगा हम और आप जानते हैं कि कोई भी आदमी हो वो कुशादा घर को पसंद करता है और कुशादा जगह उसके लिए जो है बहुत ही खुशाइंद होती है आदमी चाहता है हमारा घर कुशादा हो बड़े कमरे हो अच्छी जगह हो लेकिन इनको तंग और तारीख नहायत ही तंग घरों में और कमरों में इनको जाकर के ठूस दिया जाएगा इनको बाँध करके अल्लाह इज़्ज़त ने फरमाया वीदा उल्कू मिन मकानन दयन

कैसे एक आदमी तड़पने वाला इस बात की तमन्ना करता है कि मर जाए दुनिया से ख़त्म हो जाए हालांकि शरियत इस्लामिया ने किसी भी मुसीबत में मौत की तमन्ना करने से मना फरमाया है अल्लाह ने फरमाया कि जब इनको बांध करके जकड़ करके तंग और तारीख जगह में डाल दिया जाएगा तो मौत को पुकारेंगे कहा जाएगा एक नहीं हज़ार मौत को पुकारो तुमको मौत नहीं आने वाली है सूरह फुरकान आयत नंबर तेरह और चौदह इस आयत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि आप ने इशात फरमाया इस आयत की तफसीर में किस तरीके से नबीसम बयान फरमाया है कहा जिस तरह कील को मुश्किल से दीवार में गाड़ दिया जाता है कोई खिल्ला कोई आदमी दीवार में गाड़ता है किस तरीके से हथौड़े से पीट पीट कर दीवार में सुगाड़ता है ऐसे इन जहन्नमियों को जहन्नम के तंग और तारीख कमरों में ठूस दिया जाएगा ज़बरदस्ती इसी तरह जहन्नमियों को ज़बरदस्ती तंग जगह में ठूस दिया जाएगा तो ये जहन्नमियों को बेड़ियों में और जो है क्या नाम है जंजीरों में और आग के तौक में जगड़ कर कर तंग और तारीख जगहों में जो है ढकेल दिया जाएगा नजरिन कराम इसी तरीके से जहन्म में अजाब की शक्लों में से एक शक्ल ये है कि जहरीली गर्म हवा और सख्त काले जहरीले धुएँ का अजाब दिया जाएगा गर्म हवा लिबास भी गर्म पानी भी गर्म खाना भी जक्क़ूम और कड़वा और बिछोना भी गर्म और हर तरह से गर्म और आग का अजाब इसके साथ जो हवा भी चल रही वह भी गर्म जब लू चलती है तो इंसान अपने घर से बाहर नहीं होना चाहता है इंसान ठंडी हवाओं को पसंद करता है और खुशगवार फिजा को पसंद करता है लेकिन सख्त जहरीला और गर्म हवा और इसी तरीके से काले और जहरीले और सियाद हुए का अजाब उनको दिया जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमायाब शिमाली मा साहबु शिमाली फी समोम व हमीम ला बारदू वाला करीम ये बुरे हाथ वाले जिनको उनका नाम है बुरे हाथ में दिया गया उनका हाल कितना बुरा है ये तो लू की लपट में होंगे गर्म पानी में होंगे और काले धुएं में होंगे ना वो अच्छा होगा ठंडा होगा और ना इनके लिए आसान और आरामदेह होगा जहन्नम ही जहन्नम के अजाब से तंग आकर एक सा की तरफ दौड़ेंगे लेकिन जब वहाँ पहुँचेंगे तो मालूम होगा कि ये साया नहीं बल्कि जहन्नम की आग का शख्स याद हुआ है कल नाकन नबलफ़ी अहलिन मुशफ़ीन फमन लुले न अदबूम जन्नती कहेंगे सूरह तूर की इस आयत में अल्लाह ने फरमाया है आयत नंबर छब्बीस और सत्ताईस में कि हम लोग अपने घर में या दुनिया में थे तो हम अल्लाह का खौफ खाते थे हम जहन्नम के अजाब से डरते थे जन्नती कहेंगे तो अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमको गर्म हवा से बचा लिया हमको जहरीले हवा से बचा लिया तो जन्नती वहाँ अल्लाह तबारक वाली के एहसान का तस्करा करेंगे इसी तरीके से जाहिर है नाम है उसका तस्करा होगा और ये जहन्नमी यहाँ जहरीली हवा में और गर्म हवा में और काले सियाह धुएं में ये जो है क्या नाम है जलेंगे और इस तरीके से अल्लाह तबारको तला के अजाब में फंसे रहेंगे और अजाब से दो चार रहेंगे तो इस तरीके से नजरी नहीं कराम हमारे सामने बात खुल करके आई कि जहन्नमियों का लिबास भी आग का होगा यानी जिसम पर जो लिबास है वो भी आग का है तारकोल का है जो उनके बिस्तर है वो भी आग का है कहाँ वहाँ पर जन्नती मज़े ले रहे हैं कहाँ ऐशरत की ज़िंदगी है उनका लिबास रेशम का उनका कपड़ा रेशम का उनके गद्दे और सब रेशम के उनके गाँव तकिए उनके सारे आरामदेह चीज़ें और तख्त और मसहरियाँ और कहाँ इनका बिस्तर भी आग का और इसी तरीके से इनको जकड़ करके मारा जाएगा बाँध कर मारा जाएगा जब किसी को बांध कर सजा दी जाती है तो आदमी भाग नहीं पाता है तड़प के रह जाते हैं ऐसे इनको सजा दिया जाएगा और इसी तरीके से हवा भी चलेगी गर्म होगी ये जो है ख़तरनाक जो है क्या नाम है अजाब और जहन्नम के मनािर हैं अल्लाह तबार को ताल से हम इस नशीस में इसी पर इतफ़ा करते हुए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताली हमें और आपको जहनम से महफूद रखे आदमा इंदी अल्लाह ताली आलमदिल्ला रबाल आलमीन वल्ला महमद वसलम तस्मन कर